ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक नाता और जोड़ लें, नाते बहुत सारे हैं ना, कभी कोई कभी कोई। खुदा दोस्त सच्ची दोस्ती निभाएगा, बस उसको तो इतना ही करना है कि जब उसको हमारी ज़रूरत है हम मदद करें, तो जब हमें ज़रूरत होगी चारों युग द्वापर से भी वो हमें मदद करेगा। बांध लें उसे इस प्यार की रस्सियों में। बाबा तीन संबंधों की बात मुरलियों में बहुत कर रहे हैं, दो मास से आप सबने सुना है। कौन से तीन संबंध? बाप, टीचर, सदगुरु। कैसे इसके चिंतन को करना है, मैं पहले थोड़ा सा दो दो मिनट केवल रिपीट नहीं कर देना, शिव बाबा मेरा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, हो गया काम। ये नहीं, वो मेरा बाप है, पिता है, अर्थात वो मेरा है। सोचो जरा एक मिनट, सभी आंख बंद करके सोचो, जो भगवान है वो मेरा है, मेरा पिता, मैं उसके परिवार का मेंबर, वो अपने परिवार में आकर बैठता है, अपने बच्चों से मिलता है, बातें करता है, भगवान बनकर नहीं आता, अपना भगवानपन ऊपर ही छोड़कर बाप बनकर आता है, वो मेरा है। तो उसका सब कुछ भी मेरा है। भगवान मेरा है, बस खोलो आंखें, ठीक है। अब देखो कैसे ये इफेक्ट करेगा। अगले इलेक्शन यूपी में हो, आपका पिता भी इलेक्शन में खड़ा हो जाए, एमएलए चुन लिया जाए और योगी जी की जगह उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, आपके पास फोन आए आपका डैडी अब यूपी का मुख्यमंत्री है, सुनते ही क्या क्या होगा बोलो, पता है ना क्या हो जाएगा? चाल बदल जाएगी, बोल बदल जाएंगे, व्यवहार बदल जाएगा। देखो जब मैंने ये सब चिंतन किया तो मैं क्या सोचा करता था, तब आप पहला काम करेंगे सबको फोन करेंगे, सारा दिन फोन खड़केंगे, पता है हमारा डैडी चीफ मिनिस्टर यूपी बन गया है, अब तो आनंद ही आनंद, तुम्हें भी कोई काम पड़े तो मुझे बताना, चीफ मिनिस्टर वो है पर मैं करूँगा करूँगी काम तुम्हारे सारे। अब जो भगवान था आज तक वो क्या हो गया बोलो, क्या हो गया? हमारा पापा, हमारा डैडी हो गया या नहीं हो गया? तो आज जाके सबको फोन कर देना, आपको पता है, और आपको कोई काम भगवान से पड़े बोलो आगे, वो तो हमारा डैडी है, होगा? अगर ये नशा चढ़ जाए, ये है बाप के रूप में याद करना, उसके परिवार में हम, बाबा साकार में तो कोई पूछता था ना, बाबा आप ऐसा ऐसा क्यों बोलते हो, मैं तुमसे थोड़ा ही बात करता हूँ, मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, तुम्हारा क्या जाता है, समझ गए? परिवार में आकर बैठता था भगवान, हम उसके परिवार बन गए, जो कुछ उसका है वो, उसकी सारी शक्तियां भी मेरी, यह सबसे बड़ा नशा, उस पर भी मेरा अधिकार,
आप उसे विवश भी कर सकते हैं कुछ काम कराने के लिए। पार्वती की बहुत कहानियां हैं, महादेव जी को विवश कर देती थी। एक हंसी कहानी सुना देता हूँ। एक गरीब व्यक्ति जा रहा रास्ते में, कहा भोलेनाथ ये गरीब है, दया नहीं आती, इसको साहूकार बनाओ। कहा भोली इसके भाग्य में नहीं है, भाग्य बदलने वाले तुम हो, बनाओ इसको साहूकार। अच्छा लो डाल दो कुछ हीरे थैली में इसके आगे। अब वो जा रहा था, उसके 15 फुट दूर हीरे डल दिए। उसको तुरंत विचार आया, पता नहीं अंधे कैसे चलते हैं, मैं भी चल के तो देखूं। आंख बंद करके निकला, थैली पीछे रह गई। महादेव जी ने कहा पार्वती देखा इसके भाग्य में नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो हमारा पिता है, नशा चढ़ा दे वो मेरा है। अब हम उसकी संतान, हम उसकी फैमिली, तो हमारे संस्कार, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, जो लोग देखकर कहें लगता है ये तो भगवान के बच्चे हैं। ठीक है।